नमस्ते, टेरिस किचन में आपका स्वागत है। आज हम आम और साबूदाना का डेजर्ट बनाएंगे। चलिए इसे बनाते हैं। मैंने यहाँ दो आम लिया था, जिसमें एक आम को मैंने काट लिया है और दूसरे आम को मिक्सी में डालकर पीस लिया है। दो कप दूध, आधा कप चीनी, 1/3 कप साबूदाना और 1 चम्मच कस्टर्ड पाउडर लिया है। दूध को कढ़ाई में डालेंगे और इसे गर्म करेंगे। दूध गर्म हो गया है, इसमें आधा कप चीनी डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे। कटोरा में 1 चम्मच कस्टर्ड पाउडर लेंगे, इसमें 2 चम्मच दूध डालेंगे और इसका पतला घोल बनाएंगे। चीनी दूध में घुल गई है, अब हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे और इसमें थोड़ा थोड़ा करके कस्टर्ड कप घोल डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे। इसे 2 मिनट मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। अब फ्लेम को बंद करेंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। पैन में 3 कप पानी डालेंगे और इसे गर्म करेंगे। पानी बॉयल हो गया है, इसमें साबूदाना डालेंगे और इसे लगातार चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। देखिए साबूदाना पक गया है। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे छानेंगे। इसे ठंडे पानी से धोएंगे। इसे थोड़ा देर ठंडा होने के लिए रख देंगे। कस्टर्ड का दूध ठंडा हो गया है, इसे कटोरे में निकालेंगे। इसमें आम की प्यूरी डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे। साबूदाना ठंडा हो गया है, इसे हम इसमें डाल देंगे और इसमें कटा हुआ आम डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे। यह तैयार है, इसे अब हम सर्व करेंगे। इसे बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट से सजाएंगे।